हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास टेंथ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है क्लास टेंथ के लिए, जिसमें हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का यह पांचवा वीडियो है। इससे पहले के चार वीडियो इस चैप्टर के हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका तीन नियम होता है। उस तीन नियम को हम जानेंगे तभी जाकर हम प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो आज का वीडियो उसी पर है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूंगा कि केवल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा और ये जो टॉपिक है ये आपको आगे सभी टॉपिक को समझने में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी प्रतिबिंब है, मतलब इमेज है, उसको बनाने के लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कम से कम कम से कम दो प्रकाश किरणों का होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों को होना आवश्यक है। इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। दो प्रकाश किरणें होंगी, वो एक दूसरे को मिलेंगी, काटेंगी, तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। अब वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। तो अब जान लेते हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, तीन नियम होते हैं। तो ये भी हम लिख दें यहाँ पे कि प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम होते हैं। तो सबसे पहला है प्रथम नियम। एक एक नियम को आपको याद रखना है। अब प्रथम नियम क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है जी, देखिए प्रथम नियम में हमें क्या बताया गया, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, इसके पीछे हमने लेप लगा दिया ऐसे। ये कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, हमने पढ़ा दिया है, आपको पता होगा अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण का ये बात आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का ये मुख्य, सॉरी ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर ये मुख्य अक्ष का ध्रुव ये क्या है, P है। ये मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है। इतनी बात आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे प्रथम नियम हमें यही बात बताया जाता है कि जब जब प्रथम प्रकाश किरणें, जब कोई भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो
तो परिवर्तन के पश्चात, यहाँ पे परिवर्तन होगी तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। इस मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? चली जाती हैं। इस प्रकार ये जा रही हैं और इस प्रकार फिर से ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो प्रथम नियम आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे प्रथम नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। समझ में आ गया? पहला नियम है कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो सभी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से ही होती हुई जाएंगी। तो प्रथम नियम आप क्या कहेंगे? परावर्तन मतलब कहेंगे प्रथम नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। समझ गए? प्रथम नियम में लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। प्रथम नियम आपको समझ में आ गया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। पहला नियम आपको समझ में आ गया। दूसरा नियम पे आते हैं। द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं जी। देखिए द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम भी मैं फिगर से ही आपको समझा दे रहा हूं। ये सपोज डेट ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के पीछे आपने हमने क्या लगाया है? लेप इस प्रकार लगा दिया है, ठीक है। इसके ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए। अब इसका ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि कोई भी प्रकाश किरणें, द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया? जो भी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो यहीं से द्वितीय नियम क्या कहेंगे? कहेंगे आप कि द्वितीय नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ गए होंगे आप? तो रटना नहीं है, समझकर याद करना है। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, द्वितीय नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाले
प्रकाश किरणें प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। द्वितीय नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह है द्वितीय नियम। फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, इसलिए मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। समझ गए? अंतिम नियम हम समझ लेते हैं, जो है इसका अंतिम नियम तृतीय नियम। तृतीय नियम ठीक है जी, तृतीय नियम हम समझ लें। तो देखिए तृतीय नियम क्या है, यहां पे इसको हम फिगर से ही बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण हमने ले लिया, इसके पीछे हमने क्या कर दिया, लेप लगा दिया, और यहां पे हमने मुख्य अक्ष, ये एक मुख्य अक्ष हमने ले लिया। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पर ये जो बिंदु है ये है ध्रुव P, यहाँ पे ये मुख्य फोकस है F, ये वक्रता केंद्र है C। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि यदि कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, कोई भी प्रकाश किरणें इस वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, तो यदि कोई भी प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात, जब परावर्तित होंगी तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात फिर से वक्रता केंद्र से होकर चली जाएंगी, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो तृतीय नियम हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तृतीय नियम के अनुसार प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। समझ गए? तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। तृतीय तृतीय नियम के अनुसार तृतीय नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के सॉरी तृतीय नियम के अनुसार वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर वापस लौट आती हैं। तो ये बात आप समझ गए कि तृतीय नियम के अनुसार वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर वापस लौट आती हैं, मतलब जिस मार्ग से गई हुई होती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं।
ये है तीन नियम परिवर्तन के, मतलब परिवर्तन ने प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जो कि हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक टॉपिक समझ में आए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और यदि आप क्लास टेंथ का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।